डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीज यानी कि कॉमन डिजीज इन ह्यूमन के फर्स्ट वीडियो में, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है उसका 13वां जो आपको लेक्चर वीडियो हमने दिया है, वहां पे क्या शुरुआत किया था? कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, उसमें बैक्टीरियल डिजीज हमने शुरुआत की थी। तो पहले वीडियो में आपको मैंने ट्रिक के साथ पूरी की पूरी जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं 15, उन सब के बारे में कुछ न कुछ बताया था। और मैंने आपको कहा था 8 ऐसे डिजीज हैं जिनके बारे में थोड़ा डिटेल जानना है, जिससे कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर थोड़ा डीप में भी आए तो हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो हम 4 डिजीज इस शॉर्टेस्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का है, इसमें हम आपको 4 डिजीज कंप्लीट रूप से आपको बताएंगे अच्छे से, तो आपको ये जानना है। ओके, तो देखिए कहता है कि डिटेल स्टडी ऑफ सम बैक्टीरियल डिजीज, में 4 डिजीज कौन कौन? तो एक टाइफॉइड, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में भी थोड़ा चर्चा कर चुके हैं, तो टाइफॉइड के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, निमोनिया के बारे में, कोलरा के बारे में। तो पहले टाइफॉइड के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि पहले भी हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी है जो कोलरा के ओरिजिन से मिलती जुलती है। टाइफॉइड भी वाटर बॉर्न डिजीज है, कोलरा भी वाटर बॉर्न डिजीज है, हिपेटाइटिस भी वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है? बट तीनों के मोड ऑफ इंफेक्शन में डिफरेंस है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा कहते हैं जो एसटीडी है, ठीक है, एसटीडी जो ये जो हिपेटाइटिस है वो एसटीडी में भी आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी आता है। लेटेस्ट जो एनसीईआरटी का अपडेट देखेंगे उसमें हिपेटाइटिस को, ठीक है, एसटीडी के ग्रुप में भी रखा गया है, जेनिटल वार्ड्स के साथ, जेनिटल हर्पस के साथ, एचआईवी के साथ, गोनोरिया के साथ, सिफिलिस के साथ, ल्यूकोरिया के साथ, ठीक है? तो कहते हैं ये जो टाइफॉइड है, ये टाइफॉइड का सबसे पहले ये जानिए कि इसका पैथोजन क्या है। कहते हैं टाइफॉइड का जो पैथोजन है, ठीक है, टाइफॉइड का जो पैथोजन है वो आपका है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है? ये टाइफॉइड का पैथोजन है, ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अगर इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है तो हमारा एकदम स्टार्टिंग का वीडियो है प्रोकैरियोटिक, ट्रिकी अप्रोच टू प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें आप पूरा का पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हैं विद ट्रिक्स विद टेक्निक, ओके? अब देखिए ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन? साल्मोनेला टाइफी। ये हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू इंटर करता है, जानते हैं? इस टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम है इंटेरिक फीवर, यानी टाइफाइड फीवर का एक और नाम क्या है? इंटेरिक फीवर। ये हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा इंटर करता है, ठीक है, बाय आफ्टर टेकिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, बट ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेन में जाता है। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन सिम्टम की तरह है, स्टोमेक पेन यानी एब्डोमिनल पेन, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का मरना, प्यास का मरना, ठीक है। कहता है मतलब ये सब कॉमन फंक्शन, कॉमन ये सिम्टम है, बट एक सिम्टम इसमें जबरदस्त है, वो है कि टेम्परेचर जो होगा वो 39 से 40 डिग्री के आसपास होगा, 102 से 104 डिग्री के आसपास होगा। ये इसका सबसे अलग फंक्शन है, बट यही फंक्शन इसको मलेरिया से कंफ्यूज करवाता है। कहते हैं मलेरिया और टाइफाइड में कभी कभी डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? दोनों में फीवर आता है, दोनों में बॉडी पेन होती है, ठीक है, बट मलेरिया में अंतर यह है कि मलेरिया में फीवर एक निश्चित टाइम, पीरियोडिक टाइम में आता है, उसमें चिलिंग होके फीवर आता है, ठीक है, उसमें चिलिंग होके फीवर आता है और एक ड्यूरेशन के बाद आता है, निश्चित ड्यूरेशन के बाद आता है, ठीक है, क्लियर है? तो उनका एक फिक्स इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्लियर, उनका एक फिक्स इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो टाइफॉइड के बारे में कुछ और जानकारी जो है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। टाइफॉइड, इंटेरिक फीवर जो आपको बताया, पैथोजन साल्मोनेला टाइफी,
ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट अदर ऑर्गेन बाय ब्लड. सिम्टम्स सस्टेन हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सी, ठीक है, वीकनेस, स्टोमेक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. इन इंटेस्टिनल परफोरेशन, देखिए ये सबसे सीवियर केस में होता है, ठीक है, जब ये बहुत दिनों तक हो तो कहता है सीवियर केस में क्या होता है, यानी कि इंटेस्टिनल परफोरेशन, यानी कि पोर्स क्रिएट हो जाते हैं इंटेस्टिनल इपिथेलियल सेल में, डेथ में अकर्स. इसका पता कैसे लगाएंगे कि हमें मतलब टाइफाइड हुआ है, यानी कि जो फीवर हो रहा है ये सब सिम्टम टाइफाइड के हैं या मलेरिया के हैं, ठीक है, तो कहता है विडाल टेस्ट के द्वारा. ये टेस्ट बहुत फेमस है, विडाल टेस्ट, WIDAL. विडाल टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ, क्या बोलिएगा, ठीक है, टाइफाइड. कहता है ये कैसे मतलब स्प्रेड कैसे हुआ था स्टार्टिंग में, कहता है मैरी मेलोन MARY MELON, एक कुक थी जो एक घर में खाना बनाती थी. वो जिसके जिसके यहाँ खाना बनाती थी लगभग 100-150 लोगों के बीच उसका इन्फेक्शन उसने फैलाई, यानी सी वॉज द कैरियर ऑफ, ठीक है, टाइफाइड फीवर. हैंस द निक नेम ऑफ दैट लेडी वॉज, ठीक है, टाइफाइड मैरी. ओके, तो ये दिमाग में रखें, ये पूरी की पूरी बात हम दिमाग में रखेंगे, यानी ये किससे रिलेटेड बात थी, ठीक है, टाइफाइड से रिलेटेड बात थी. और मैं आपको बता दूं टाइफाइड जिस मतलब टाइफाइड जिस जीनस से होता है साल्मोनेला से, उसी जीनस के दूसरे स्पेसीज से एक फूड पॉइजनिंग भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ये साल्मोनेला के स्पेसीज से ही एक फूड पॉइजनिंग होता है, उसको बोलते हैं साल्मोनेलोसिस, ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग है. कभी पूछ देगा ये क्या चीज है तो आप कहिएगा ये फूड पॉइजनिंग है. क्लियर है पॉइंट, तो ये दिमाग रखिएगा. तो मैं टाइफाइड को आपको यहाँ पे रख कर रहा हूँ, टाइफाइड में इतना इंफॉर्मेशन आपको काफी है. क्लियर है पॉइंट, चलिए अब देखिए. पढ़ते हैं निमोनिया को, ठीक है, कहते हैं निमोनिया को कॉज करने वाले जो जीनस है वो कई हैं. निमोनिया को कॉज करने वाले जो मेनली बैक्टीरिया होते हैं वो कोकस टाइप के होते हैं. क्या होते हैं? कोकस, ठीक है, वो कोकस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. और ये कोकस कई तरह के होते हैं. कहते हैं कोकस टाइप के बैक्टीरिया अगर सिंगल हो तो उसको बोलते हैं मोनोकोकस. अगर मान लो, ठीक है, दो में हो बोलते हैं डिप्लोकोकस. अगर चेन में हो, ठीक है, तो बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है. अगर वो इरेगुलर मास में हो, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस. तो आप समझ गए इसमें से किसी के द्वारा भी निमोनिया हो सकता है, बट जनरली मोनोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया नहीं होता है. जब ये ग्रुप में आते हैं तभी इससे निमोनिया होता है. तो कहता है ये जो मोनोकोकस तो होगा नहीं, डिप्लोकोकस निमोनी है स्पेसीज, डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस निमोनी, ये सबसे हो सकता है. डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये आप क्या बोलिएगा चेन में, ये क्या बोलिएगा इरेगुलर मास में, और ये क्या बोलिएगा डबल इन नंबर, या एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये भी इसका पैथोजन है. इन्फ्लुएंजी देख के आप ये मत समझिएगा, अगर पूछ देगा क्वेश्चन में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी से कौन सा बीमारी होता है तो पहला चॉइस आपको वही देगा इन्फ्लुएंजा,
ठीक है, उसी में आपको फंसाने के लिए देगा कि आप गलती करें, और हम लोग गलती करते हैं, उसके नाम पे मत जाइएगा, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी कॉजेस, तो होगा आंसर निमोनिया, नॉट इन्फ्लुएंजा, वो इन्फ्लुएंजा को कॉज नहीं करता। क्लियर है? ट्रांसमिशन कहता है बाय इनहेलिंग, बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट, जिसे मान लिया कि कोई स्पिट कर दिया, कोई थूक दिया, ठीक है। देखते हैं आजकल तो थूकने पे जुर्माना है कोरोना के कारण, बट लोग जहां तहां ये खा के गुटखा वगैरह फेंक देते हैं। तो मान लिया अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है पहले से निमोनिया से, तो वही हो जाएगा। या सिंपल एक ग्लास, मतलब ग्लास में पानी पिया और वही ग्लास को आपने यूज कर लिया, उससे भी हो सकता है। या मान लिया कोई चिप टच करने से, निमोनिया तो बहुत ही मतलब जल्दी फैलता है, ठीक है, हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, बाय शेयरिंग ऑफ ग्लासेस, बाय शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बाय स्पूटम, ठीक है। तो कहते हैं ट्रांसमिशन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स, ठीक है, रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन सफरिंग पर्सन। ओके, सिम्टम्स देखिए, सिम्टम में क्या है, मेनली सब कुछ इसमें एल्वियोलाई के अंदर होता है। एल्वियोलाई के अंदर जो वॉल होता है कि मतलब उसके चारों तरफ, उसमें पस भर जाता है, पस मतलब लिक्विड भर जाता है। इन्फेक्शन अकर्स इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू, ठीक है, सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। ओके, सिम्टम्स आर इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ, ठीक है, एंड हेडेक इन सीवियर केस, ठीक है, इन सीवियर केस कहता है कि लिप्स, यानी कि लिप्स, ये याद रखिएगा, लिप्स एंड फिंगर नेल, ये जो है ना, ये आपका लिप्स ओट और ये जो फिंगर का जो नेल है, ये आपका ग्रे से ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ग्रे से ब्लू हो जाएगा, ये इसका मेन है, ठीक है, ग्रे टू ब्लू। क्लियर है पॉइंट? इसका कोई टीका नहीं है, ठीक है, और ये मतलब जब होगा तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगी। कहते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, ठीक है, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, एस्फाइक्सिया। तो ये इसमें कॉमन बात है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये जान जाइए, मैं आपको यहां पे बता दूं, ये आपको पता भी होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का ही एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रिफिथ साहब, ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, चूहे में, माइस में, ठीक है, उसमें इसी का यूज हुआ था। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बहुत सारे चीजें आपको जाननी है। ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग बोलते हैं कॉच डिजीज, ठीक है, रॉबर्ट कॉच के नाम पे है। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बहुत सारा चीज किन्होंने बताया, कॉच साहब ने बताया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जिसको हम लोग टीवी बोलते हैं। ये किससे होता है? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, ट्यूबरकुलोई बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस बैक्टीरिया, इससे होता है टीबी। और ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये टिश्यू के अंदर जब जाता है तो टिश्यू को डिग्रेड करता है, टिश्यू को तोड़ता है, और उसी को तोड़ के वहां से केमिकल निकालता है जिसका नाम है ट्यूबरकुलीन। क्या नाम है? ट्यूबरकुलीन। और ये ट्यूबरकुलीन, ठीक है, केमिकल बहुत हार्मफुल होता है, खास करके इसका रिपीटेड अगर इन्फेक्शन हो टीबी का, तो मैं आपको बता दूं ये एडनल कॉर्टेक्स को डैमेज कर देता है, एडनल कॉर्टेक्स को डैमेज करता है, और एडनल कॉर्टेक्स को जब डैमेज कर देता है तो आदमी की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, एडनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, डैमेज करता है और आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो टीबी है ना, इसका जो मतलब, अगर किसी को एड्स है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एड्स होने पे आदमी, यानी कि एचआईवी इंफेक्शन के होने के बाद, एड्स होने के बाद आदमी एड्स से नहीं मरता, ये आपको पता है,
इम्यून सिस्टम उसका बहुत ही वीक हो जाता है, और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इम्यून सिस्टम वीक होने पे एचआईवी इन्फेक्शन के बाद, एड्स होने के बाद, इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद किसी आदमी को सबसे ज्यादा खतरा किस डिजीज का होगा, तो आपको बताना है ट्यूबरक्लोसिस का। क्या बताना है? ट्यूबरक्लोसिस का, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? ट्यूबरक्लोसिस का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं अगर आपको आएगा मैं आपको दे दूंगा, ऐसे मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो तैयार करने जा रहा हूं, आप वेट कर लीजिएगा। एंटी ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाई जाती है? ओके, तो ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ट्यूबरक्लोसिस डे, इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाई जाती है, तो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप देंगे। ऐसे में 15 से 20 जो इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है, साइंटिफिक डेट, वो मैं एक अलग वीडियो में डालने जा रहा हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेट कीजिए, एक दो दिन के अंदर है, ठीक है, बट वो प्लस वन का वीडियो होगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा। यानी कि तो आप ये बात पूरा समझ गए, ठीक है, तो ये जो मतलब एड्स होता है ना, एचआईवी जब होता है, तो एचआईवी के बाद सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी डिजीज का होता है तो वो ट्यूबरक्लोसिस का ही होता है। क्लियर है? तो ट्यूबरक्लोसिस, टीवी, कॉच डिजीज, इसको कॉच डिजीज बोलते हैं, वही कॉच, कौन सा वही, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉच डिजीज, ठीक है, वही कॉच जिन्होंने, ठीक है, क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था, याद आया होगा आपको, स्टार्टिंग में हमने बता दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, किसी पैथोजन को, किसी ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहेंगे, उसके लिए उन्होंने 5-6 क्राइटेरिया बताया था, याद होगा आपको, उसको बोलते हैं कॉच पोस्टुलेट्स या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। देखिए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन्होंने दिया, बट एक जर्म प्लाज्म थ्योरी होता है, वो विजमेन ने दिया था, वो क्या दिया था, कौन दिया था, विजमेन ने, वो क्या था, जर्म प्लाज्म थ्योरी, वो था जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है, जर्म प्लाज्म थ्योरी था, वो था जर्म प्लाज्म थ्योरी विजमेन, ठीक है, और ये जो था कॉच साहब, ये दिए थे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर इन्फेक्शन की कैपेसिटी है, मल्टीप्लीकेशन की कैपेसिटी है होस्ट सेल के अंदर, डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी है, फिर उसको निकाला जा सके, क्रिस्टलाइज किया जा सके, फिर से वो हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन कर सके, उसको बोलेंगे पैथोजन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, ट्यूबरक्लोसिस कॉच डिजीज, इट डैमेज द लंग्स, लिम्फ, बोन, जॉइंट्स, ठीक है, कहता है कि इसका मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है, कोई फिक्स नहीं होता, किसी में जल्दी, किसी में देर से, इंक्यूबेशन पीरियड आप समझ रहे हो, पहले मैंने बताया टर्मिनोलॉजी में, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है द टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, यानी कि पैरासाइट इन्फेक्ट किया और फर्स्ट सिम्टम जब दिखाई पड़ा तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, और प्री पेटेंट पीरियड होता है द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट इन द ब्लड। ओके, तो इंक्यूबेशन पीरियड इज क्वाइट वेरिएबल, सिम्टम ऑफ, ठीक है, पल्मोनरी टीबी, यानी पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स, लंग टीबी, ठीक है, इज फीवर, कफ, स्पूटम विद ब्लड, पेन इन चेस्ट, लॉस ऑफ वेट, एक्सेसिव फैटिक, थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म हो जाना, राइज इन टेम्परेचर इन इवनिंग, हॉर्सनेस, थ्रोट, थ्रोट का भी लगेगा घोरों की तरह, मतलब फूलना, हाफना, उसके बाद नाइट स्वेटिंग एंड रैपिड पल्स, नाइट स्वेटिंग और रैपिड पल्स, ये सब इसका लक्षण है, किसका, टीबी का। और मैं आपको बताऊं टीबी का 80% लक्षण एड्स से मिलता जुलता है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, टीबी से बचने के लिए टीका दिया जाता है, उसका नाम क्या है, बीसीजी, उसका नाम है बीसीजी, ठीक है, बैसिलस, बैसिलस कैल्मेट, कैल्मेट गुएरिन, बैसिलस कैल्मेट गुएरिन, ये भी 6 सप्ताह के अंदर दिया जाता है, जन्म के 6 सप्ताह के अंदर दिया जाता है। और लास्ट आपका इस वीडियो लेक्चर पर लास्ट डिजीज जो है वो है कोलरा, एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज है,
और ये मैं आपको बताऊं, ये विब्रियो कॉलरी से होती है। किस बैक्टीरिया से होती है? विब्रियो कॉलरी। ये विब्रियो कॉलरी जो है, ठीक है, ये विब्रियो कॉलरी कोमासेप्ट बैक्टीरिया है। ये कोमासेप्ट बैक्टीरिया है और ये एक कॉमन डिजीज है, गंदा पानी पीने से, ठीक है, ये होता है। और इसमें स्टूल जो है ना वो बार बार, मतलब वाटर स्टूल निकलता है और वो एकदम व्हाइट कलर का निकलता है, बिल्कुल राइस वाटर की तरह, जो चावल की पानी होती है ना पकाने के बाद वो जो निकलता है उसी तरह से। वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, स्टूल बार बार, वोमिटिंग भी बार बार, तो इतनी वीकनेस हो जाती है ना। इसका एक ही उपाय, सारे मिनरल आपके बॉडी के निकल जाते हैं स्टूल के द्वारा, वोमिटिंग के द्वारा। इसका एक ही उपाय है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, ORT। इसका और कोई, ठीक है, मतलब उपाय नहीं है, ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी। यानी कि कोलरा के साथ साथ, ठीक है, डायरिया, डिसेंट्री, मतलब होना ही है, ठीक है। तो ये एक डिजीज है जो एक कॉमन डिजीज है। कोलरा किससे होता है? विब्रियो कॉलरी से होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, सिम्टम पासिंग स्टूल फ्रीक्वेंटली विच आर व्हाइट लाइक राइस वाटर एंड वॉमिट्स इंफिकेटली। और इसका उपाय क्या है, ठीक है, तो क्या बोलिएगा? ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, ORT। क्लियर? ये चार डिजीज का वीडियो मैं आपको अभी दे रहा हूं, चार डिजीज बैक्टीरियल और जो है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इंतजार कीजिए एक और शॉर्टेस्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच, टेक केयर।